बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। और ये खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां बागी विधायकों पर एक्शन की तैयारी में है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से शिकायत की गई है। एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायकों की शिवसेना ने शिकायत की है। 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। शिवसेना बागी विधायकों पर एक्शन की तैयारी में है। पार्टी ने डिप्टी स्पीकर को लिखी एक चिट्ठी में 12 बागियों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। इन विधायकों के नाम हैं महेश शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीप राव भूमरे, भरत सेठ गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, प्रभाकर सुरवे, तानाजी सावंत, एकनाथ शिंदे, बालाजी किनिकार, अनिल बाबर और लता सोनवानी। पिटीशन 44 पन्ने का है, उतना छोटा नहीं है, वो कानून लड़ाई है। अब ये लड़ाई कानून लड़ाई है और पॉलिटिकल भी, राजनीतिक लड़ाई भी है। उस लड़ाई को लेकर हमने आज 12 सदस्यों को नाम दे दिया है। उनको हमने कहा है कि इनका सदस्यता, इनकी सदस्यता आप जो रद्द करिए। उद्धव गुट की शिवसेना की इस कार्यवाही पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि आप अयोग्यता के लिए 12 विधायकों के नाम बताकर हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के अनुयायी हैं। शिंदे ने यह भी कहा कि हम कानून जानते हैं, इसलिए हम धमकियों पर ध्यान नहीं देते। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हम आपके तरीके और कानून भी जानते हैं। संविधान के अनुसूची 10 के अनुसार व्हिप का इस्तेमाल विधानसभा के काम के लिए किया जाता है, बैठकों के लिए नहीं। और शिवसेना के बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को चुना है अपना नेता। बागी विधायकों ने एकनाथ को दिया फैसला लेने का पूरा अधिकार। बागी विधायकों से बोले एकनाथ शिंदे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ एक मां शक्ति खड़ी है। महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन ही नहीं बल्कि शिवसेना भी बिखराव की कगार पर है। पावर गेम में एकनाथ उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। उनके हाथों को मजबूती और तब मिली जब शिवसेना के बागी विधायकों ने शिंदे को अपना नेता चुना और शिंदे को फैसले लेने का पूरा अधिकार दिया। जिसके बाद शिंदे ने भी बागियों को अभयदान दिया। विधायकों से उन्होंने कहा कि किसी से डरना नहीं है, हमारे साथ एक महाशक्ति खड़ी है। इस बीच महाराष्ट्र से विधायकों का गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला थमा नहीं है। कल 7 और बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना के 3 और विधायक सूरत से आज गुवाहाटी जाएंगे। इसके बाद शिवसेना और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल 52 विधायक एकनाथ के साथ हो जाएंगे। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों से क्या कहा। ये काय सुख दुःख आहे, हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे बरोबर। काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित आहे। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला मागे आमची पूरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधी कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल।